So friends, we have seen the Siachen base camp. There were two security checkposts. First of the police and second of the army. वहाँ पर एक आई लव सियाचिन है एंड कुछ मैनिक्विन हैं जो आर्मी ड्रेसेस में हैं, और एक और प्लेस है जहाँ पर सियाचिन की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कब सियाचिन को खोजा गया है, किन किन व्यक्तियों द्वारा खोजा गया है, इंडियन कंट्रीब्यूशन, फ्रेंच कंट्रीब्यूशन, ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन, एंड लोकल इंसिडेंट्स आर आल्सो एक्सप्लेन्ड. सियाचिन, सिया एक प्रकार का रोज होता है और चिन मीन्स द प्लेस ऑफ, सो सियाचिन द प्लेस ऑफ रोजेस. सिया बाल्टी लैंग्वेज में रोज होता है, बाल्टी लैंग्वेज होती है ना बाल्टिस्तान की. तो सियाचिन है, ग्लेशियर्स में इतनी बर्फ है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बाद उसको थर्ड पोल कहा जाता है. अप्रॉक्सीमेटली 27 किलोमीटर है, लंबा है वो, और साल तोरो और कराकोरम रेंज के बीच में सियाचिन ग्लेशियर है. इस पूरी एरिया में कुछ श्रब्स पाई जाती हैं और ये सिया पौधा पाया जाता है, इसे बाल्टी में रोजेस कहा जाता है. ये तो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मैन की लैंग्वेज हो गई. अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करें तो 1947 और बाद की जो वार्स हुए हैं, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनका खून जो ज़मीन पर गिरा है के एवज में ये रोजेज जगह जगह निकले हैं, और ये उनको श्रद्धांजलि है. कवि इस तरह से मानता है इसको. पूरी सियाचिन वैली में सिया ही सिया के गुलाब फैले हुए. दो तीन तरह की वैरायटी आती है, उसमें एक लाइट आती है, एक डार्क आती है, रोज कलर, वेरी ब्यूटीफुल. सो सियाचिन -60 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, 33 फीट तक वहां पर बर्फ़ की मोटी चादर बन जाती है. तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन होगी सियाचिन बेस के बारे में. Was very good to see the Siachen base camp. अब हम रिटर्न हो रहे हैं पेंगोंग सो जाने के लिए. चूँकि टाइम अभी 5:15 हो चुके हैं तो आज वहाँ पहुँचना मुश्किल है. अभी तो पनामिक जाना है, फिर सुमरू जाना है, उसके बाद 31 किलोमीटर एक और है अगम. अगर उजाला होने तक वहाँ पहुँच पाए तो वहीं स्टे कर लेंगे ताकि सुबह पेंगोंग जल्दी पहुँच पाए. लेट अस सी, आप एंजॉय कीजिए शाम के नज़ारों का, धूप और छाया का जो खेल चल रहा है, धुंध और बादलों की जो रस्साकशी चल रही है सामने. स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी हैं, विदाउट स्नो भी हैं.
और ये श्योक रिवर जा रही है, ये इंडस रिवर से मिलती है बिस्किट में। तो श्योक रिवर का पानी थोड़ा मटमैला होता है और इंडस का पानी होता है एकदम साफ सुथरा टर्कोइज ग्रीनिश। यू कैन सी द डिफरेंस। आज हम आए थे तुरतुक से, क्योंकि तुरतुक और थलसर का काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, 125 किलोमीटर, और फिर 108-10 के आसपास ये है। इसमें काफ़ी पूरा दिन निकल गया, आज सिर्फ सियाचिन बेस कैंप ही देख पाए। क्योंकि सियाचिन का पूरा रास्ता अभी दोबारा बन रहा है, पूरा रास्ता मीन्स जो ब्रिजेस हैं, पुराने ब्रिजेस हो गए होंगे तो उनको तोड़ के नया बनाया जा रहा है। इसलिए हर ब्रिज के पास एक टर्न है। अभी सिया के जो फूल आएंगे वो हम देखेंगे। ड्राइव फॉर सेफ्टी विजयक। इट इज नॉट द लायंस रोर दैट सिग्नल्स डेंजर, इट इज द साइलेंस। स्कूल बस सिया का अच्छा सा पौधा आते हुए आपको दिखाएंगे। एक तो ये है सिया के फूल, और अच्छा दिखाते हैं आपको। गाड़ी के इंजन में चू चू की आवाज आ रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे स्पीड देते हैं चू चू की आवाज आती है। पहले तो नहीं आ रही थी ऐसी आवाज। अभी सम प्रॉब्लम है अभी देर इन द इंजन, क्योंकि 1800 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी।
बाय लिटिल गर्ल शेकिंग द हैंड्स सो इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन. This is the floor plant we can see. इसको देखते हैं हम. ये थोड़ा लाइट कलर है, ये से भी डार्क कलर आता है.